जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है अष्टाश्रम में। बात कर रहे हैं कर्क राशि 2023 फरवरी माह के लिए, यानी कि माह का राशिफल फरवरी का, और कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, आने वाला समय कैसा रहेगा और क्या देखे जाने वाला है, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो 4 नंबर पर यह राशि आती है, और कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो इसका स्वामित्व जो दिया गया है, जिसके स्वामी है वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव को एक बड़ा सॉफ्ट ग्रह माना गया है और माता का प्रतीक माना गया है, इमोशन का प्रतीक माना गया है। और जब चंद्रमा कारक होता है तो आपको धन भी देता है, आपको परिवार भी देता है, माता का आशीर्वाद भी देता है, और आप समझिए इमोशन भी देता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 2023 फरवरी कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मासिक राशिफल के द्वारा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो की बात कर रहे हैं हम तो कर्क राशि के जितने भी लोग हैं, आप समझिए ये समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना अनुकूल आप समझ रहे हैं। आपके ऊपर एक तो ढैया शुरू हुई है, इसका ये प्रभाव भी हो सकता है क्योंकि शनि की डिग्री अब बदलने वाली है, और दूसरा आपको प्रभाव ये भी देखना चाहिए कि इस समय पर जब तक फागुन मास रहेगा तब तक थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। यानी कि आपको 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं पहले बताने वाला हूं, वो है एक तो अपनी माता, या आप जिनको माता तुल्य मानते हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं। और दूसरा ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि यदि आपकी कोई संतान है तो उसको ठंडी चीजों से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और खासतौर पर संतान 14 वर्ष से यदि छोटी है तो। क्या लाभ होने वाले हैं ये भी मैं बता दूं, लाभ की दृष्टि से हम बात करें तो लगभग 20-30% का प्रॉफिट होता हुआ आपको दिख रहा है, कहां पर, शेयर मार्केट में। यदि आप चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में लाभ कमाएं तो कर्क राशि वाले लोग शेयर मार्केट में अपना लाभ ले सकते हैं, लगभग 20-30% का आपको लाभ होते हुए दिख रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं तो ही आपको इसमें जाना चाहिए, अन्यथा नए सिरे से आपको इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें, यदि आप जमीन से जुड़ी हुई कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको ये लाभ देने वाला है। कोई सौदा आपका नहीं हुआ था तो वो हो जाएगा, या कोई सौदा आपके पास नहीं था तो नया सौदा आपके पास आएगा जिससे कि वो आपको लाभ देके जाए। तीसरी चीज की बात करें, जो लोग गोल्ड का बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ होने वाला है, और जो लोग सिल्वर का बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ होने वाला है। यानी कि गोल्ड और सिल्वर से संबंधित कोई मेरे मित्र ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं, उनको लाभ होने वाला है। ऐसे लोग जो MNCs में काम करते हैं, यानी कि MNC का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनियां, यानी कि उनका एक देश में और एक देश से ज्यादा भी जगह पे उनका काम होता है, ऐसी जगह पे काम करते हैं तो समझिए उनको प्रमोशन मिलने वाला है। मैं बात किसी छोटी कंपनी की नहीं कर रहा हूं जो एक स्टेट में चलती है या एक शहर में चलती है, एक ऑफिस ऐसा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी कंपनी जो शहर दर शहर और देश दर देश काम करती है, ऐसी MNC कंपनियों में यदि लोग काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उनको यहां पर लाभ होते हुए दिखेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये फरवरी माह बहुत अच्छा तो नहीं है कर्क राशि वालों के लिए, लेकिन नुकसान देके नहीं जाएगा। 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने वीडियो में बताया है, तो आपको नुकसान नहीं होंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।